हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि संजू सैमसन को मौका था तो कम से कम 40-50 बॉल तो दे खेलने को। और आज संजू सैमसन ने साबित कर दिया है कि मैं बहुत ही तगड़ा बल्लेबाज हूँ और मेरे को मौके देने चाहिए। और ये तो एक खुदा की एक कुदरत थी कि उनको एक मौका मिल गया, क्योंकि 2 विकेट जल्दी गिर गए थे ना, तो वही 6-7 बॉल पल्ले पड़ती वहां, फिर तो आप पता ही है। अब 6-7 बॉल में आप क्या करते कि अब श्रीलंका को टीम चुनी जाएगी श्रीलंका दौरे के लिए, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा बात हो रही है कि किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा किसको ना मिलेगा, ये बहुत ही ज्यादा बात चल रही है। तो बात की जाए तो कुछ खिलाड़ियों का तो एक फिक्स हो गया कि वो तो श्रीलंका दौरे पर जाएंगे ही जाएंगे, और ये एक पूरी प्लानिंग हो रही है। अभिषेक शर्मा का कोई नंबर नहीं काट सकता, बॉलिंग भी कर रहे हैं और बैटिंग भी कर रहे हैं, अब तो ऑलराउंडर और बना रहे हैं। वहां बताओ जायसवाल जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे आज फिर वही गलती कर दी कि ये बताओ पहली बॉल पर छक्का मारा था, तो 120 बॉल कोई 5 ओवर को मैच है, थोड़ा वक्त लेकर खेल ले। और गिल वही जिद पे अड़े हुए हैं, स्ट्राइक रेट 92.86, बताओ ये कोई क्रिकेट हो रही है? तो तू 3 नंबर पे बल्लेबाजी कर ले ना, कहता है ना तो भाई लिख दिया कि भाई यही बल्लेबाजी करूंगा। तो गिल की ज्यादा एक सिफारिश वाली क्रिकेट ज्यादा चल रही है। स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो ये T20 का स्ट्राइक रेट नहीं है गिल का। अब ऐसा जगह ना बना, ऐसा तो KL राहुल भी है, सुरेश अय्यर है, काफी ऐसे खिलाड़ी है जो यही स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करे। इंडिया की टीम में आप ये देखो जब स्ट्राइक रेट ऐसे ऐसी बल्लेबाजी करे, विराट कोहली का संन्यास ले रहा, विराट कोहली को जरूरत ही कैसे संन्यास लेने की, फाइनल में मैन ऑफ द मैच थे विराट कोहली। आप ये देखो कि रोहित शर्मा तो बहुत ही तगड़ी बल्लेबाजी करे, जिस हिसाब से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्लेबाजी की थी, तो बताओ स्ट्राइक रेट कम से कम 220 का चाहिए। ऐसा ना बन सकते ओपनर, अब इंडिया के पास काफी ओपनर है। अरे अब इंडिया ने एक नई क्रिकेट टीम बनाई है और नई हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, ऐसे ही खेलेगा तो कोई जरूरत ना टीम में रहने की, यार कोई तरीका भी हो। जायसवाल देखो, जायसवाल कितनी तगड़ी स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर, पहली पे छक्का मारो फिर 13 रन आगे बताओ एक ही बॉल पे। तो ये है क्रिकेट, अब तुम वही पुरानी क्रिकेट खेल रहे, ऐसा ना चले। और बात की जाए जिम्बाब्वे की, जिम्बाब्वे ने सबसे मोटी गलती करी है कि आज तुम्हें जीतने लायक मैच था, 167 रन चेज ना हो रहे बताओ। और बात की जाए तो एक टाइम ऐसा लग रहा था 8.4 में 85 रन 4 विकेट, तो यार मैच में बचाव कहा हो। सिकंदर रजहर ने भी पता ना दुनिया की लीग इतनी लीग खेली, पता ना सीखो कुछ ना है उन्हें, पाकिस्तान को हंसाने लिए ही, सच्चाई बता रहा हूँ। काफी क्रिकेट खेलते आ रहे हैं और कुछ परफॉर्मेंस ना कर रहे हैं। आज इंडिया आप हरा सकते थे, आज ऐसा था ना 210 या 190 रन 167 रन बिना बन रहे तुम अपने घर में, और इंडिया कोई बुमराह भी ना आग जा सो तुम हारी तो भाई फट जाती। तो बहुत ही गंदी क्रिकेट खेली और 42 रन से हार गए हैं। और मुकेश कुमार ने मुकॉल कर दिया, 4 विकेट निकाल दिए, सुपड़ा साफ क्रिकेट कर दी। और मैन ऑफ द मैच दुबे लो, दुबे श्रीलंका को फिट है, सच्चाई बता रहा हूँ श्रीलंका को यहाँ अपने ही पत्ते साफ कर दिए, मैं तो श्रीलंका जाऊंगा ही जाऊंगा। और बात की जाए सुंदर को मौका दे, IPL में बेंच पर बैठ रहा झट्टू वाले मौका दे दिया, सच्चाई बताओ। ऐसे एक और खिलाड़ी है शहबाज अहमद को भी मौका मिलना चाहिए था, क्योंकि IPL में उसने ठीक परफॉर्मेंस करी, लेकिन वहां खिलाएंगे दुबे जी है, सुंदर जी है, और अब तो इन्हें एक और बॉलर मिल गया अभिषेक शर्मा 3 ओवर 1 विकेट भी ली है, सुंदर को भी एक विकेट मिली और दुबे जी की भी 1 विकेट मिली, 4 विकेट मिली है मुकेश कुमार ने क्या बॉलिंग करी है यार, और 125 रन ही बना पाई बताओ जिम्बाब्वे की टीम या मैच जीत जाती तो अगले कोई टूर्नामेंट होगा या कोई कुछ होता तो कुछ कॉन्फिडेंस होता कि भाई 2 मैच जीते कि इंडिया ने जीते, लेकिन उनको पल्ले तो एक भी मैच लास्ट को मैच जीतना होगा जिम्बाब्वे पे। और गुरबानी ने क्या बॉलिंग करी है यार, गुरबानी लंबे कद के बॉलर है, काफी फायदा होता, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट। भारत के जो बल्लेबाज हैं, जायसवाल ने बनाए 12 रन 5 गेंदों पर, गिल की बात करें 14 गेंदों पर 13 रन। यू पावर प्ले में बल्लेबाजी कर रहे हो, ओपनर बता रहे हो वो तो जिस हिसाब से जायसवाल ने अभिषेक शर्मा की मतलब एक आती सी पारी देखने को मिली, ये तो यहाँ है कम से कम 145 रन बनने देता,
या कुछ और बॉल मिल जाए। संजू सैमसन, हम तो पहले कह रहे शेरी पढ़ाओ संजू भी, 45 के अंदर 58 रन बनाई है ना, ये एक मैच विनिंग नॉक थी है, जिस हिसाब से बॉल फंस के आ रही थी, काफी मेहनत कर रहे थे और शानदार इनिंग देखने को मिली। और रियान पराग भी बैराग हो गए, रियान पराग भी कैसा था खिलाड़ी यार, आज तो रन बना देते तो श्रीलंका दौरा प्ले दौरे पे जाते, अभी आप कोई ना ले जा घर बैठ रहा है भाई। 24 गेंदन पे 22 रन रियान पराग, ये जाएगा श्रीलंका, यू तो बहुत तगड़ो खिलाड़ी श्रीलंका में तगड़ी क्रिकेट के, यू अपने इंडिया में पड़ो रहेगा। दुबे जी ने 12 गेंदों पर बनाए 26 रन, दुबे जी ने छोटी पारी खेली लेकिन लाजवाब पारी खेली। और रिंकू सिंह के साथ क्यों इतनी भाई गलत बात कर रहे हो, रिंकू सिंह को 4 बॉल 5 बॉल 8 बॉल 9 बॉल यार, या को एक आध 50 बॉल तो दे दो, कभी कभी तो दे दो या कि पता तो चले कितना तगड़ो बल्लेबाज है, लेकिन 4-4 5-5 बॉल खिलाड़ी कोई 5 ओवर को मैच चल रहा या 2 ओवर को मैच चल, कोई सुपर ओवर चल रहा हो क्या, तो गलत बात है, रिंकू सिंह के साथ बहुत ज्यादा गलत है। और फिर यहाँ श्रीलंका ले जाओ, तो इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली है। और मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे इसमें वाशिंगटन सुंदर, और मैन ऑफ द मैच रहे थे शिवम दुबे। तो क्रिकेट की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब